यहाँ पे देखिए मैंने बंगाली अरबी को ले लिया है और जो वजन में होगी करीबन 1 किलो है वजन में, तो इसको हम छील लेते हैं और दोनों तरफ से सबसे पहले हम इसको कट कर लेंगे इस तरीके से। और इसकी सब्जी है जो बहुत ही टेस्टी बनती है, और दोनों तरफ से हम इस तरीके से पहले इसको कट कर देते हैं, यानी जड़ जड़ के साइड, जड़ होती है ना जिधर की साइड है ये, तो हमने ये काट लिए दोनों तरफ से। तो अब हम इसको छीलेंगे, तो छीलने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हाथों पे थोड़ा सा सरसों का तेल लगाना है। अगर आप सरसों का तेल हाथों पे नहीं लगाओगे तो आपके क्या होगा, खुजली होगी, और बहुत ये खुजली है जो आपको बहुत दिक्कत देने वाली है। तो हम सबसे पहले इस तरीके से तेल लगा लेते हैं हाथों पे, और अब इसको हम छील लेंगे। इस तरीके से छीलनी है हमें। यहाँ हमने अरबी को छील लिया है, ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल एकदम। और अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। तो पहले हम काट लेंगे इसको गोल गोल, और आपको पसंद हो इस तरीके से आप काट सकते हो, थोड़ी ये टाइट है तो आराम से हम काटेंगे। तो यहाँ पे मैंने अरबी ये जो काट ली इस तरीके से, ये देखिए, और मैंने कटिंग भी कर ली है क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ी सी इसको काट लिया अरबी को। अब मुझे आपको ये दिखाना है कि किस तरीके से मैंने इस तरीके की कटिंग करी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक अरबी है जो ले ली है, ये देखिए जैसे हम फिंगर चिप्स बनाते हैं वैसे हमें कटिंग करनी है। ये अरबी की सब्जी बनाने के यहाँ पे लिए मैंने 3 प्याज, यहाँ लिए 10 से 15 लहसुन की कलियाँ, और यहाँ लिए मैंने 1 टुकड़ा अदरक का, और यहाँ लिए 1 हरी मिर्ची। तो हम तीनों चीज़ों को पेस्ट बना लेंगे। हमने पेस्ट बना लिया है तीनों चीज़ों का, और इधर हमने गैस पे चढ़ा दी कढ़ाई, तो कढ़ाई को हम गर्म होने देते हैं। कढ़ाई है जो गर्म हो चुकी है, अब डालेंगे यहाँ पे सरसों का तेल, और सरसों का तेल नहीं हो तो आप रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हो। तो तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। यहाँ देखिए हमारा तेल है जो अच्छे से गर्म हो गया है, और अब डालेंगे यहाँ पे 1 छोटी चम्मच, सबसे ज़रूरी चीज़ है अजवाइन। तो अजवाइन है जो ज़्यादा ज़रूरी, डालना बहुत ही ज़रूरी होता है अरबी में, और ये हमारी अरबी है जो बादी होती है, तो इससे ज़्यादा बादी नहीं करेगी हमें। अजवाइन के साथ में बनाएंगे तो सब्जी, तो अजवाइन को हम भून लेते हैं। तो अजवाइन हमारी भुन चुकी है, और अब डाल देंगे यहाँ पे फ्राई होने के लिए सबसे पहले अरबी। डाल दिया है और अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे अजवाइन और तेल के साथ में करीबन 2 मिनट तक मिलाते हुए। तो यहाँ हमने अच्छे से मिला लिया इसको तेल और अजवाइन के साथ में, और अब डालेंगे यहाँ पे नमक। नमक से क्या होगा, जो हमारी अरबी है जो जल्दी से गलेगी और बिल्कुल भी फीकी भी नहीं लगेगी। आप पहले नमक ज़रूर डालें अरबी की सब्ज़ी बनाए तो नमक को हम अच्छे से मिला लेंगे, फिर इसको ढक के रखेंगे। हमने नमक को अच्छे से मिला लिया है, अब इसको हम 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रख देंगे। तो यहाँ मैंने 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा दिया है। यहाँ हमारे 5 मिनट हो चुके हैं, और ढक्कन को उठा लेते हैं और चेक करेंगे। तो ये हमारी हल्की सी देखिए ये गल चुकी है, और अब बना लेते हैं हम मसाला, और इसको रखेंगे हम दूसरी गैस पर, उतार के रख देंगे। बनाने के लिए मैंने गैस पर चढ़ा दिया फ्राई पैन में डाला है मैंने 1/2 छोटा चम्मच तेल, और तेल को हम अच्छे से गरम कर लिया है हमने। और अब डालेंगे यहाँ पे 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 2 से 3 चुटकी डालेंगे यहाँ पे हींग। जीरे को हम पहले भून लेंगे अच्छे से। तो जीरा हमारा भून चुका है, अब डाल दी यहाँ पे हम हींग पाउडर, तो
तो जीरा और हींग हमारी अच्छे से भुन चुकी है। अब डाल देंगे यहाँ पर लहसुन, हरी मिर्ची और प्याज का पेस्ट, और इनको हम भून लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे प्याज लहसुन का पेस्ट है जो अच्छे से भुन चुका है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब डालेंगे यहाँ पर बाकी के मसाले। आधी चम्मच डाली हमने हल्दी पाउडर, एक चम्मच डाली यहाँ पर लाल मिर्ची पाउडर, एक चम्मच डाली यहाँ पर धनिया पाउडर। तो सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बड़ी बड़ी चम्मच मैंने डाली है, छोटी चम्मच नहीं डाली है। तो अच्छे से हम प्याज और लहसुन के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सभी मसालों को अच्छे से मिला लिया, और इस चम्मच से मैंने सारे मसाले डाले हैं भर के इसको, और पानी डाल देंगे और अच्छे से एक बार और हम मसाले को पका लेते हैं पानी डालने के बाद में, और पानी को अच्छे से मिला लेते हैं। कि हमने मसाले को अच्छे से इसको भून लिया है पानी डालने के बाद में, और अब डाल देते हैं यहाँ पे एक कटोरी छोटी दही। आपके पास दही ना हो तो नींबू भी डाल सकते हैं इसको बनने के बाद में, सब्जी जब आपकी सब्जी बन जाए तब आप इसमें नींबू भी डाल सकते हो। तो यहाँ मैंने दही है जो मसाले के अंदर डाल दिया है, और अच्छे से मिला लेते हैं मसाले और दही को। यहाँ पे दही और मसाले को हमने अच्छे से मिला लिया है, और कलर लाने के लिए अब क्या डालेंगे इसमें, यहाँ डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्ची, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा सब्जी के अंदर। तो अच्छे से मिला लेते हैं कश्मीरी लाल मिर्ची को भी। तो बस यहाँ पे हमारा मसाला है जो बन के रेडी है, और अब हम इसको उतार लेंगे मसाले को, और वापस हम कढ़ाई को रख देंगे। कढ़ाई को रख दिया है, अब इसको हम ढक्कन हटा लेते हैं, और अब करेंगे यहाँ पे जो हमने मसाला बना के रखा है उसको ऐड कर देंगे इसमें। तो इस तरीके से आप बंगाली अरबी की सब्जी बनाएंगे, तो देखिए आपको सारे घर वालों को आपको आपकी सब्जी है जो पसंद आने वाली है। तो इस तरीके से आप अपने घर पर जरूर अरबी की सब्जी बनाएं। तो अच्छे से मिला लेते हैं एक बार मसाले को अरबी के साथ में, अरबी के साथ में हमने मसाले को अच्छे से मिला लिया है, और यहाँ हमने फ्राई पैन को भी धो के डाल देंगे जो हमने मसाला बनाया था उसी को, और ये इस तरीके से हम धो के डालेंगे तो मसाला है जो हमारा बेकार भी नहीं जाएगा और वेस्ट भी नहीं जाएगा। तो एक बार हम मिला लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा पानी और डालेंगे हम, हमें कम लग रहा है। और आप चाहो तो इसको सूखी भी बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी ग्रेवी वाली बना रही हूँ, यानी जुगल वाली बना रही हूँ, ना तो ज़्यादा गाढ़ी ना तो ज़्यादा पतली। तो यहाँ हमने पानी करीबन एक गिलास डाल दिया है इसमें, और अच्छे से मिला लेते हैं पानी डालने के बाद में। तो बस हमने यहाँ पे अच्छे से मिला लिया है, अब हम लगा देंगे ढक्कन। तो यहाँ हम ढक्कन लगा देते हैं करीबन 2 से 3 मिनट के लिए, और अरबी को अच्छे से गलाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपकी अरबी है जो कच्ची जरा सी भी रह गई तो आपकी जीभ में थोड़ी सी पटास आ जाएगी और जलन भी होगी फिर। तो इसलिए अरबी को आप जब भी सब्जी बनाएं अरबी की तो इसको बहुत अच्छे से गला लें। तो यहाँ हम 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे। हमारे 2 मिनट हो गए, ढक्कन को हटा लेंगे और सब्जी को चेक करेंगे। तो वाओ कितना अच्छा कलर आया है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा कलर आएगा सब्जी में। तो बस यहाँ पे हमारी बंगाली अरबी की सब्जी है जो बनके तैयार है। अगर आपको बंगाली अरबी की सब्जी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि बंगाली अरबी की सब्जी कैसी लगी। तो अपने घर पर बनाइए, खाइए, आनंद उठाइए।